हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हमने करना है हमारा निबंध लेखन, जिसको बोलते हैं ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह एक कला है। यह इसको ध्यान से किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम वो बातें लिख सकते हैं जो हमारे मन में होती हैं। आप अपने मन के विचारों को खुलकर इसमें लिख सकते हो। ऐसे राइटिंग में जो होती है, इसको इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। ऐसे जो है हिंदी का एक पर्याय है। ऐसे शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया हुआ है। ये देखिए, जो ऐसे शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से आया हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रयास करना होता है। विदेशी विद्वानों का कहना है कि स्वच्छंद और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रचना को ही निबंध कहते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है कि हम अपने अपने विचारों को ऐसे करते हो, क्योंकि इसमें विचार आप मुक्त विचार लिख सकते हो अपने। ठीक है, जो आप पूछा गया है उसको आप आराम से लिख सकते हो। इसमें आप स्वच्छंद रचना, कोई भी छोटी सी कविता, कोई मुहावरा, ठीक है, ये चीज़ें आप सभी प्रयोग कर सकते हो निबंध में। निबंध के आगे अंग देखिए, आगे जो होते हैं निबंध के तीन अंग होते हैं। निबंधों को तीन भाग में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्रारंभिक, ये देखिए भूमिका या प्रस्तावना बोलते हैं जिसमें हम। अब भूमिका जो है, शुरुआत जो है वो अगर अच्छी होगी, अगर वो देखने में सबसे पहले तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगे शुरू में ही, तो क्या होता है, तो जो पढ़ने वाला है या फिर जो चेक करने वाला परीक्षक है उसको वो बहुत मनमोहक लगेगा और वो आगे पढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो उसका प्रारंभ है, जो उसकी भूमिका है, उसको बहुत ध्यान से और बहुत रोचक ढंग से लिखना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा सेकंड भाग आ जाता है, वो है मध्य भाग। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। विषय की रूपरेखा बनाकर अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए, और सभी अनुच्छेद विचारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले पैरे में कुछ और लिख दिया और दूसरे पैरे में कुछ और लिख दिया और उन दोनों की लयबद्ध नहीं हो रहे हैं, वो आपस में उनकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो ये चीज़ आपकी नहीं चलेगी ऐसे में। अगर आप पैसेज बना बना के भी लिख रहे हो अलग अलग, तो उन वो आपस में संबंधित होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, उनका अर्थ एक दूसरे के साथ मिलता हुआ हो। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है उपसंहार या सारांश। निबंध का अंतिम भाग उपसारांश है, उपसंहार है। ठीक है, आरंभ भी इसी तरह, निबंध का अंत भी आकर्षक होना चाहिए। देखिए, उपसंहार में क्या होगा बेटे, कि जैसे आपने शुरुआत अच्छी की थी वैसे ही आप अंत भी वैसे ही करोगे। जो उसका अंत है वो भी प्रभावशाली होना चाहिए। परीक्षक को वो निबंध बहुत ही प्रभावित करते हैं जिनका जिनकी शुरुआत और अंत दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी कि निबंधों के कितने प्रकार हैं। वो हमने भाग किए थे ना, और अब हम करेंगे प्रकार। अब जो है निबंध का, सबसे पहले हम करेंगे वर्णात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में सीधी और सरल शैली में विषय का वर्णन किया जाता है। सीधी और सरल शैली मतलब साधारण ढंग से। इसमें कौन कौन से ऐसे आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म का दृश्य, किसी मैच का या फिर घटना का, आंखों देखा कोई हाल हो गया, ठीक है, किसी दुर्घटना का, ये चीज़ें आ जाती हैं वर्णात्मक में। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है। इनमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है, जैसे कि साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गए निबंध विचारात्मक होते हैं। समझ में आ गया, मतलब कि इसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन किया जाता है, वो विचारात्मक होते हैं। ठीक है, राजनीति के जो सूझबूझ वाले। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है। इसमें घटनाओं, यात्राओं, मतलब कि जैसे हम उसमें व्याख्या करते हैं ना अपनी पूरी
डिटेल में बता रहे होते हैं, हम वहाँ गए, घूमने गए, वहाँ हमने ये देखा, ठीक है। उत्सवों का वर्णन होता है, कैसे उत्सव मनाए जाते हैं, व्यक्तियों के बारे में, जो जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, उनके जीवन के बारे में बताएंगे, तो उनके पूरे बचपन को लेके, फिर बचपन के बाद उनकी शिक्षा प्रणाली हो गई, ये सारी चीज़ें, तो वो पूरा क्या होता है, विवरण में बताया जाता है। तो इसको इसीलिए ये विवरणात्मक निबंध होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है भावात्मक निबंध। अब ये भावात्मक निबंध क्या है? इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करते हैं। इन निबंधों को विचारात्मक गौण होते हैं। क्या है? भावात्मक क्या होते हैं? इनमें अपने ये निबंध जो होते हैं, इनमें व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से पेश किया जाता है। उसके बाद निबंध के लिए जो कुछ सूचनाएं हैं, निबंध जरूरी बातें हैं, वो हैं कि जो निबंध लेखन है उसके लिए जब हम लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास सारी सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि निबंध में हमने लिखना क्या है, ठीक है। वो सारे अगर तथ्य हमारे दिमाग में आ जाएंगे तो हम बड़े आसानी से उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हैं कि निबंधों में विचारों को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेद में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कि जैसे अब हम अपने विचार लिखने हैं आप लोगों ने, तो उनको कैसे लिखोगे आप? क्रमबद्ध लिखोगे। क्रमबद्ध लिखोगे कि ऐसे नहीं है कि आप लोग जैसे अब 1, 2, 3 हम लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप 3 पहले लिख दोगे, फिर 2 लिख दोगे, फिर 1 लिख दोगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। वैसे ही लिखोगे जैसे कि आप पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पैसेज, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे अब आप किसी की जीवनी में लिख रहे हो, या फिर जैसे महात्मा गांधी जी की एग्जांपल फिर से लेते हैं हम, अगर उनके बारे में आप लोग लिख रहे हो तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में लिखते हैं, फिर उनका जन्म और उनके माता पिता के बारे में लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले उनकी अहिंसा, जो उन्होंने अहिंसा आंदोलन किए, ठीक है, सत्याग्रह किए लिए, वो लिख दोगे पहले, तो वो आपका निबंध जो है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। देखो बेटे, भाषा शैली जो सरल होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आप मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिखोगे, आसान से आसान शब्द लिखने की कोशिश करोगे ताकि आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोहराव दूर, मतलब कि जहाँ पे हमें चिन्ह लगाना चाहिए, पूर्ण विराम लगाना चाहिए, जहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना चाहिए वो भी देखो आप। सुक्तियों उदाहरण, ठीक है, और जैसे काव्य पंक्तियाँ, किसी कविता की कोई पंक्तियाँ हो गई हैं वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। भाव भाषा के परिणाम होते हैं और निबंध के भावों को प्रधानता होनी चाहिए, ठीक है। जो निबंध के भाव पूछे गए हैं, जो चीज़ पूछी गई है उसी की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें और ही कुछ ऐड करते रहो जो चीज़ें उसमें हो ही ना, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही आपको ये बताती हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक एग्जाम्पल है मेरा भारत महान। अब इसमें देखिए, पहले तो यहाँ पे संकेत बिंदु बताए गए हैं, भूमिका भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से भारत अनुपम देश है उसके बारे में है, फिर पहले ये पैसेज के बारे में लिखेंगे, ठीक है, फिर विभिन्नता में एकता ये लिखेंगे, फिर विश्व बंधुत्व की भावना ये लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे आध्यात्मिक गुरु जो है हमारा देश, प्राचीन संस्कृति और उन्नतिशील विकास देश उपसहार आ गया उसके बाद। जैसे जैसे ये चीज़, ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आप ऐसे ऐसे ही ऐसे को लिखते रहोगे। यहाँ पे देखिए, अभी एक पैसेज यहाँ तक लिखा, फिर उसके नेक्स्ट पास उस नेक्स्ट पे भाग में आ गया, यहाँ पे देखिए भौगोलिक की दृष्टि से ये आ गया, ठीक है। उसके बाद विभिन्न यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में भारत में विभिन्नता एकता के दर्शन होते हैं, ठीक है। सारे पैसेज अलग अलग हैं लेकिन आपस में सारे के जुड़ते हैं, लोकतंत्र राज्य हो गया, ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक शुक्ति पंक्तियाँ दी गई हैं, आप ऐसे ही कोई भी पंक्तियाँ ऐसे के शुरुआत में आप ऐड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि बेटे आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप ध्यान से कीजिएगा और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।